हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। खुशखबरी क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में तफसील से एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, आयत आईटी अंडरस्कोर सर्विसेज, वहां पर भी मैं चीजें बताता रहता हूं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो की तरफ चलता हूं। तो गाइस, खुशखबरी क्या है, अभी आप लोगों ने जाना होगा कि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सीट बढ़ने का। शिवली कॉलेज के अंतर्गत जो है ये सीट का क्या क्राइटेरिया है, कितनी वेटिंग आई है, कितना गफा हुआ है, वो सारी चीजें मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको पूरी चीज़ें तफसील से बताता हूँ। तो मैंने ये शिवली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि वेटिंग कंफर्मेशन नोटिस डेटेड ये आ चुका है, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं खुलकर ये पेज आ गया है। अब इस नोटिस को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ को ऊपर से नीचे, यहाँ नहीं, ये पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा सूची की निम्नांकित क्रमांक बैचों का चयन है। यानी जो यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो दिया गया है उनको यहां पर जो दिया गया है कि आप एडमिशन जो है करा सकते हैं। जो वेटिंग है प्रतीक्षा मतलब वेटिंग के निम्नलिखित नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई सीटों के लिए, यानी जो विश्वविद्यालय द्वारा जो बढ़ाई गई सीटें उनके लिए प्रवेश हेतु किया गया है। यानी उनका जो एंट्रेंस था, जो यहाँ पर एक नोटिस आ रही थी कि आपकी अगर बढ़ती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें भी इन चीज़ों को ध्यान से देखिए कि अभ्यर्थी दिनांक यानी 20 तारीख कल से लेकर 24 तारीख, 24 मैं आपको यहाँ कैलेंडर पे भी शो कर देता हूँ, 24 तारीख का मतलब कि थर्सडे, यानी कल से लेकर थर्सडे तक आपको ये चीज़ों को पूरा कर लें। वेबसाइट की जाकर देख लें वेटिंग लिस्ट कंफर्मेशन डेट वगैरह पर कर लें, यानी वहां पर दिया गया है, क्लिक करें और अपनी कक्षा अनुसार निम्न लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये लिंक कहाँ मिलेगी वो भी मैं बताता हूँ। एवा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें और उसका यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से 24/12/2020 तक अवश्य पूरा कर ले, अन्यथा किसी के पास दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को जो डेट दी गई इसी के बीच में आपको एडमिशन कराना है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेरे चैनल आयत आईटी सर्विसेज को भी सब्सक्राइब कर ले। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ चीजें और बताता हूँ कि यहाँ पर जो सीटें दी गई कंफर्म कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में चयन से अभ्यर्थी है कहाँ से, बीकॉम फर्स्ट ईयर की देख सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की 60 से लेकर वेटिंग दी गई है 119 तक और मनाटी की जो दी गई वो 62 से 121 तक दी गई है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है मनाटी जनरल के अंतर्गत, ये तो आप सभी जानते हो कि इसके अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी सब आते हैं और मनाटी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, ये एक तरीके से आप कह सकते हो हिंदू, उनके लिए है जो आते हैं, चाहे वो ठाकुर हो यादव हो या कह सकते हैं एससी में आते शेड्यूल कास्ट हो चवा, उनके लिए, और ये मनाटी कैटेगरी के लिए आती है। ठीक है, यहाँ जो ब्लैंक है इसमें ये नहीं एडमिशन हो सकता है, इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा, ये जो ब्लैंक है इसमें कोई वेटिंग नहीं निकली इसलिए एडमिशन नहीं होगा, ये क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स के लिए दिया गया है, बायो और मैथ के लिए, तो 60, 119, 40, 95, इसके बारे में मैं और भी अच्छे से आपको तफसीर करता हूँ, तफसीर से पूरी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करता हूँ, बताता हूँ आपको पूरी चीज़ें। ठीक है, आप पहले पूरी चीज़ों को देखिए समझिए उसके बाद मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि वेटिंग आपको कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट में बीकॉम का जो नंबर है, बीएससी के जो नंबर है वहाँ पे वो दिए गए, ये नंबर है वेटिंग, ये सिलेक्टेड है, इसी के नीचे आप चले जाइए, यानी आप जहाँ पर आपका बीकॉम है, बीए है, ये वेटिंग देख सकते हैं, ये तमाम वेटिंग है, किसकी है, बी बी है, ये किसकी वेटिंग ऊपर है, यानी ये बीए की चल रही है, तो मुझे बीकॉम वगैरह की वेटिंग को देखना है। हाँ, ये बीकॉम आ गया, तो अब बीकॉम के अंतर्गत जो वेटिंग जर्नल जी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो जी लिखा गया है देख सकते हैं वेटिंग जी,
बीकॉम में 60 से, तो आपको जो यहाँ पर लिस्ट दी गई यानी 60 से सिर्फ रहेगा, 60 से लेकर बेटिंग जी जो है यहाँ पर आपको वो चीज़ें होनी है। थोड़ा सा कुछ दिक्कत है सिस्टम में। तो अब ये 60 यानी यहाँ से लेकर आपकी कहाँ तक वेटिंग दी गई है बीकॉम की 191 तक, यानी ये वेटिंग जी है जर्नल वालों के लिए, वेटिंग जी 191 तक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, देखिए यहाँ तक है। इसी तरीके से माना टी तो ये लिखा हुआ है नीचे देख सकते हैं, क्लियर है ना आप, समझ में तो आ रही होगी आपको। ओके, दूसरी बात एम कॉम वाला भी वही क्राइटेरिया है जो यहाँ पीजी की दी गई है, ये सारी चीजें हैं, एम एस सी हुआ, एम कॉम, एम ए, ये सारे सब्जेक्ट वाइज है। आप इन चीज़ों को देख लें और बहुत अच्छे से कर लें। तो जिनको भी अगर लिस्ट चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें कि सर हमें लिस्ट भेज दिया जाए, हम उनको लिस्ट भी दे देते हैं। आपको वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, आपको समझ में आ गई, देख सकते हैं कि वेटिंग किसकी है, बॉटनी में कितनी गई है, वो आपको यहाँ पर वेटिंग दिखा देना है। क्लियर, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, उक्त क्रमांक जिन छात्रों ने सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लिया है उन्हें किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन, ये नोटिस अब कह दिया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा, उन्हें पुनः रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये नहीं कि आप सेल्फ फाइनेंस में हो गए इसमें भी नहीं होगा, इन चीजों को ये ध्यान रखें, नहीं होने वाला है। उसके बाद केवल उक्त फिर दिशा निर्देश केवल उक्त प्रतीक्षा सूची क्रमांक रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। यानी अब ये नहीं कि आपका नंबर कितना है, अगर बाय द वे आप मान लो कि बीकॉम या किसी का भी आप ले रहे हैं तो इसके बीच में आपका होना चाहिए, इन्हीं के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर ना हो, इसके बाहर होगा तो नहीं होगा, इसी के बीच में जब कोई छोड़ेगा तो फिर वो आगे अगर बचेगी जगह तो आपको मिलेगा, इस नंबर से इस नंबर के बीच में आपका आया कि नहीं है ये चीज़ चेक कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कर लें। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते समय रोल नंबर, मोबाइल नंबर और स्विच ऑफ सही से, यानी आपको सही से हर चीज़ को भरना है। पाठ्यक्रम विषय सावधानी पूर्वक करें, गलत पाठ्यक्रम विषय के आवेदन को रद्द करें। यानी आप ये नहीं कि आपने ये भरा वो भरा मेरा गलत हो गया, नहीं, सही से भरिए, ध्यान से भरिए और फॉर्म को कैसे करना वो चाहिए। और उसके बाद ये लिंक यहाँ दे दी गई है, आप लिंकों को क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं किसी एक लिंक को करता हूँ तो शायद वो लिंक ओपन नहीं हो रही है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं इन्हीं चीज़ों को बताया, तो आप मेरी वीडियो पे पूरा देखें तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आपको यहाँ कर अंतिम चीज़ देते हैं कोई जरूरत, यानी आपको हर चीज़ 20 से और 24 तारीख के बीच में आपको करना है। यानी अगर आपने 24 को काउंसलिंग की है तो 25 तक कर लीजिए, उसके बाद आपको अगर नहीं होता तो आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सर आपने बताया आप हमको नहीं, लेकिन आप इन चीज़ों को पूरी तरीके से ध्यान समझिए। कोई डाउट हो तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे नंबर दिए गए वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर पर आप जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है आप हेल्पलाइन यहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल दी जाएगी। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जिनको किसी को भी ये लिस्ट में आपको कोई भी डाउट हो वो मुझे आप बता सकता है, तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल आयत आईटी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ओके दोस्तों, कल मैं इसको बताऊंगा फॉर्म को फिल करके, आपको एक फॉर्म किसी का भर के आपको दिखा भी दूंगा, समझ में आ जाएगा पूरा, मैं लिंक के थ्रू किसी लिंक को कैसे भरना वो भी मैं आपको कल बताऊंगा, ताकि आप लोग खुद से सारी चीज़ें कर सकें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल आयत आईटी सर्विसेज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत खास है, कल आपको मैं पूरा फॉर्म भर कर आपको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ओके बाय। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।